मातृव शिशु केंद्र चेताडी में चिकित्सकों के गायब रहने की शिकायत पर जांच में देर रात चेताडी पहुंचे विधायक सुदिव्य कुमार। औचक निरीक्षण के क्रम में केंद्र में लापरवाही दिखी। इस दौरान इन्होंने चिकित्सक के रोस्टर की जांच की, साथ ही लेबर रूम का रजिस्टर भी देखा। हालांकि चिकित्सकों के रोस्टर देने में कर्मियों ने विलम्ब किया। इस पर विधायक ने कर्मियों को फटकार लगाई, कहा कि यदि दोबारा शिकायत पाई जाती है तो कार्यवाही करने के लिए वह सचिव से उनकी शिकायत करेंगे। विधायक के केंद्र पहुंचने की सूचना पर सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा भी पहुंचे। असल में विधायक को शिकायत मिल रही थी कि शाम 6 बजे के बाद केंद्र से चिकित्सक गायब हो जाते हैं और इसके सत्यापन करने के लिए रात में पहुंचे थे और इसे सही पाया। तत्काल इन्होंने सभी को चेतावनी देकर छोड़ दी है, लेकिन विधायक की कार्यवाही से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। डी में लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि शाम के बाद यहाँ पर ऑन ड्यूटी डॉक्टर नहीं रहते थे। इन शिकायतों के सत्यापन के लिए आज मैंने स्वयं सोचा कि मैं खुद चलकर देख लूं और हमने पाया कि वास्तव में शिकायतें सही थी। फिर हमने सिविल सर्जन साहब को बुलाया, डीएस साहब आए, तमाम लोग आ गए हैं। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर्स को यह संदेश जाएगा कि जो उनके ड्यूटी आवर्स हैं वो अपने ड्यूटी आवर्स में उपस्थित रहें। और साथ में मैं फिर ये कह के जा रहा हूँ कि फिर अगर इस तरीके की शिकायतें मिलेंगी तो फिर से औचक निरीक्षण में हम लोग आएंगे। और ये चूंकि पहला बार हम आए थे, इसलिए बहुत हार्श या हार्ड एंड फास्ट कोई निर्णय की बात हमने नहीं कही है, लेकिन अगर इसके बाद भी दोबारा ये चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से हम लोग डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए जाना चाहिए। सर, ऐसे शिकायत है कि शाम के बाद जो है यहाँ पर अगर डॉक्टर अनुपस्थित रहें तो सहियाएं जो है आसपास के जो अस्पताल जिन्हें 2-3 बार सील किया गया है उन अस्पतालों में उन्हें रेफर कर दिया जाता है। नहीं, ये बात इसी तरीके की सूचनाएं या शिकायत मुझको भी मिली थी और हम भी ये मानते हैं कि अगर डॉक्टर उपस्थित नहीं रहेंगे तो मरीज के मन में भय व्याप्त होगा कि डॉक्टर नहीं तो मेरा इलाज कैसे होगा। तो मेरा ये मानना है कि डॉक्टर की उपस्थिति यहाँ हो जाए तो इन शंकाओं का समाधान हो सकता है। मरीजों को ये लगेगा कि जब ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं तो फिर वैसी स्थिति में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं, सामूहिक प्रयास है, और डॉक्टर साहब लोग से भी हम अपील करेंगे कि भाई जो ड्यूटी सरकार ने दी है उसको आप पूरा करें।